फ्रेंड, मास्क और मास्क पहनने वाले की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर सारे कुछ डिटेल्स में बताने की कोशिश की है, जैसे कैसे इसका मेजर लेते हैं, कट करते हैं, स्टिच करते हैं, सारे कुछ। इसलिए वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखते रहिए। एंड नाउ लेट्स बिगिन। अब मास्क बनाना तो सबको ही आते हैं। अब जो सिचुएशन चल रहा है, हम मास्क के सिवा हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मगर डॉक्टर के हिसाब से एक परफेक्ट मास्क कैसी होनी चाहिए। कई कई जगह पर मैंने देखा है कि डॉक्टर बताते हैं मास्क हमेशा नोज़ के ऊपर से लेकर चीन के नीचे तक पहनना चाहिए। ये फुल कवरेज देते हैं, सपोर्ट देते हैं। और बच्चों का बात करें तो बच्चे हमेशा मुंह पे हाथ लगाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर रहे। देखिए, इस हिसाब से मुझे मेजर मिला है 5.5 इंच। अब देखिए, ऐसे एक स्टील की प्लेट ले सकते हैं जिसके मेजर 11 इंच हैं, क्योंकि हमें मेजर मिला है 5.5 इंच, तो उसका डबल करेंगे तो 11 इंच आएंगे। अगर आए तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे एक पैटर्न बना के रख सकते हैं परमानेंटली, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करके मास्क बना सकते हैं। हमें जो सर्कल मिले थे इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो परफेक्ट हमारे जो मेजर चाहिए था वो मिल गए। और मैं अलग अलग मास्क के लिए अलग अलग मेजर भी ड्राइंग कर लिए। मैं यहाँ पे दो डिफरेंट साइजेस की मास्क बनाऊंगी, एक स्मॉल साइज 5.5 इंच और मीडियम साइज 6 इंच। मैं यहाँ पे 4 लेयर की मास्क बनाऊंगी, इसलिए मैंने डबल लेयर की फैब्रिक ली है। ऐसे भी डॉक्टर 2-2 मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 लेयर की मास्क बना रही हूँ ताकि हमें 2 लेयर की मास्क पहनने की ज़रूरत ना पड़े, और 2 लेयर की मास्क पहन के उसको कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर छोटे बच्चे के लिए मतलब स्मॉल साइज की बनाने हो तो हमें ऊपर से 1/4 इंच को काट के निकाल देनी है, 1/4 इंच में मार्क करनी है। ये देखिए, मगर हम अगर बड़े के लिए बना रहे मतलब मीडियम साइज के लिए बना रहे तो 1/2 इंच में मार्क करेंगे इस तरह। ये देखिए, ये 1/2 इंच है, हम ऊपर से 1/2 इंच में मार्क करेंगे, फिर उसको काट के निकाल देंगे। मास्क की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका स्टिचिंग। ऐसा तो बहुत आसान है, मगर एक बार आपको ध्यान से देख के प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तो आपको हमेशा के लिए ये याद रह जाएंगे और कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस करने नहीं पड़ेंगे। और फ्रेंड, इस मास्क को सिलाई करने के लिए मशीन स्टिचिंग की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, आप हैंड स्टिचिंग देख कर भी इसको बना सकते हैं। Thank you.
तकिए तक छोटे छोटे स्लिट दीजिए ताकि इसको हम आसानी से पलट सके। प्रेस करके हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब एंड में आते हैं, इसके साथ इलास्टिक कैसे लगाएं। आप बहुत अलग अलग तरीके से इलास्टिक लगा सकते हैं, जितने सारे पॉसिबिलिटीज है मैंने कोशिश की है यहाँ पर दिखाने की। क्योंकि फ्रेंड मास्क में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो है इलास्टिक। कुछ दिन पहनने के बाद इलास्टिक लूज हो जाते हैं, फिर वो मास्क कोई काम पे नहीं आते हैं। मगर हम इतना मेहनत करके जो मास्क बनाए सिर्फ एक इलास्टिक लूज होने की वजह से हमें उसको फेंकना पड़ता है। क्योंकि अगर हम चाहे नए इलास्टिक लगाने की तो उसके एक प्रॉब्लम ये होते हैं, उसका जो थ्रेड है वो नरम हो जाते हैं, फिर उसको खोलने के लिए भी मुश्किल हो जाते हैं, फिर नए इलास्टिक लगाने भी मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा एक ऑप्शन दिखाऊंगी कि आपको बार बार इलास्टिक निकाल के इलास्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने जो स्ट्रैप यहाँ पर ज्वाइन की है, इसकी मदद से कोई तरह की आप इलास्टिक इसके साथ लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नॉट लगा दिया दो साइड में, अगर आपको नया इलास्टिक चाहिए तो उसको खोल के लगा दिया। आप हैंड स्टिच भी दे सकते हो, आप मशीन स्टिच भी दे सकते हो, एज यू विश। अब हमें मास्क के लिए इलास्टिक कितने चाहिए डिसाइड कैसे करें, ये डिपेंड करते हैं इलास्टिक की थिकनेस के ऊपर। मास्क के लिए हमेशा पतली वाली इलास्टिक की बेहतर रहती है, मगर मेरे पास यही अवेलेबल थी तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर स्मॉल साइज़ की जो मास्क है उसके लिए 7 इंच यूज़ करूँगी और मीडियम साइज़ के लिए 8 इंच यूज़ करूँगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये थोड़ा सा चौड़ी है इलास्टिक, अगर पतली वाली इलास्टिक होगी ज़्यादा स्ट्रेचेबल तो उसको अगर हम इससे कम भी लें तो भी चल जाते हैं। अब हमारे ये वाले मास्क को देखिए, मास्क की जो फैब्रिक थी उसको ही घुमा के हमने लूप क्रिएट किए हैं और उसके बीच में से हमने इलास्टिक डाल दी। इससे क्या होगा, अगर इलास्टिक खराब भी हो जाए तो हम आसानी से दूसरा इलास्टिक डाल सकते हैं। तो देखा फ्रेंड, हम कितने अलग अलग तरीके से मास्क के साथ इलास्टिक ऐड कर सकते हैं, जैसे अलग अलग लूप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आप इलास्टिक ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वे हैंड स्टिच द्वारा इस इलास्टिक को इसके साथ फिक्स की। अगर इलास्टिक भी ना हो तो ऐसे स्ट्रिप देकर भी आप मास्क यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं ये सारे पॉसिबिलिटीज़ दिखा रही हूँ क्योंकि कोई कोई जगह में तो ऐसा है कि शॉप भी बंद है तो इलास्टिक मिलना भी मुश्किल है। तो आपके पास अगर ऐसा रबर बैंड हो तो उसको भी आप ऐसे नॉट लगा के मास्क यूज कर सकते हो। हमारे मीडियम साइज वाली मास्क, अगर किसी ने चश्मा पहनते हैं तो इसके ऊपर पहनने से ये और भी फिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये था हमारी आज की टॉपिक मास्क, आज की समय की सबसे ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक। हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा मास्क होनी चाहिए। फ्रेंड आप भी जरूर ट्राई करें। आज की टॉपिक यहीं पर ख़त्म होती है, मैं फिर से आऊँगी दूसरे और एक टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय।